हर राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से इंडिया के समन्वय समिति के सदस्य बने, तो हमको लगता है कि भाजपा में अजीब तरह का एक बौखलाहट आ गया। भाजपा को अब ये रास्ता दिख नहीं रहा कि झारखंड से कैसे भागे, इसलिए चारों तरफ से एक प्रोपोगेंडा, एक नैरेटिव गढ़ने का काम हो रहा है कि डिफेसमेंट करो। क्योंकि जो कार्य यहां पर हो रहे हैं, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही, उससे अजीब बौखलाहट आ गया। कल आप सबने देखा होगा, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी का अनर्गल बातों के साथ सामने आता, अब अपने राज्य सरकारों की जो घोटाले, चाहे वो गुजरात के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, और मध्य प्रदेश का तो कीर्तिमान रहा है व्यापम का, उनको कितनी सुंदर तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का अजीत पवार का घोटाला हुआ, उनको 72 घंटे बीतने के बाद सीधा उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिन पर दस्तावेज लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी आसाम में और बोली थी कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है हेमंत बिश्व शर्मा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसी तरह कल उनका बौखलाहट हम लोगों के सामने आया। हम पूछते हैं कि भाई गुजरात पावर कॉर्पोरेशन का पैसा अडानी ने क्यों खाया, जो गुजरात सरकार कहती है, तो वो हमसे सवाल पूछते हैं। आप सब यहाँ पर जो भी लोग हैं, राज बनने के बाद से ही आप देखे होंगे कि 2002 से ही सोरेन परिवार को जमीन से जोड़ने का फर्जीवाड़ा चलाया जाए। हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।